मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और भाजपा नेता तपन भौमिक ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मुद्दे पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में ही आएगा, और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद संसद में हमारे बेटे एक कानून भी बनाएंगे ताकि उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हो सके। तपन भौमिक ने एक कार्यक्रम में कहा है कि खैरात बांटना अब बंद, हिंदू जाग चुका है, ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही होगा, नहीं होगा तो करवाया जाएगा। इस फैसले के बाद लोकसभा में बैठे हमारे लोग कानून बनाएंगे, उसी स्थान पर मंदिर बनाने के लिए विधेयक को पारित भी किया जाएगा। भौमिक ने एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित होने के दौरान ये बात कही है। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा भी है था कि उनकी पार्टी राम जन्मभूमि मस्जिद विवाद में वादी नहीं है और उच्चतम न्यायालय इस पर जो भी फैसला करेगी उसे पार्टी स्वीकार करेगी। शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष अदालत में अयोध्या मामले में एक पक्षकार की ओर से पैरवी कर रहे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की चाय पर बुलाकर इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। एक दिन पहले ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से राम जन्मभूमि मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने की मांग की थी। इससे पहले सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय की मांग की थी कि मामले की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद तक के लिए टाल दी जानी चाहिए। ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में होगा नहीं होगा तो करवाया जाएगा। ये न्यायालय के बाहर लोकसभा के अंदर हमारे लोग बैठे, वो लोग नियम बनाएंगे, उसी जगह विधायक पास करेंगे कि उसी जगह पे करवाया जाए, मंदिर बनाया जाए। और समझ लीजिए वहां से भी नहीं होता तो हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोग अपना फैसला करके वहां पे राम जन्मभूमि का स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, उसके बाद बाकी दोनों का भी नंबर लगेगा। और स्वर्गीय अशोक जी सिंघल ने स्पष्ट कर दिया, दे दो 3 नहीं तो लेंगे 3000। अब तैयार हो जाओ, समय खत्म हो गया।